हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। दोस्तों मैं एक प्राउड भाई हूँ, मैं अपनी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि इस दिन पापा पूरा दिन घर पे रहते हैं और बुआ वगैरह राखी बांधने के लिए आते हैं पापा को, इसीलिए उनके सामने कुछ कर्तव्य दिखाना मना है। खैर, जिनके बहन होते हैं वो लोग बहुत लकी होते हैं दोस्तों। बहन के साथ हम लाइफ का सब सीक्रेट शेयर कर पाते हैं, पर कभी कभी वो उसी सीक्रेट को पापा के साथ शेयर कर देती है, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। खैर, पर ये बात तो मानना पड़ेगा कि दोस्तों जिनके बहन होते हैं वो लोग बहुत ही चार्मिंग होते हैं, उनको कभी भी फेयर एंड हैंडसम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम बचपन से ही बहन का फेयर एंड लवली लगाते आए हैं। वो तो बड़े होने के बाद पता चला कि ऐसे लड़कियों की क्रीम नहीं लगा सकते, छुप छुप के लगा सकते हैं। खैर दोस्तों, आज फाइनली रक्षाबंधन आ गया है और एक साल से मैं बहन को गिफ्ट देने के लिए सेविंग कर रहा था और फाइनली आज मैं ये 100 रुपये का कैडबरी सेलिब्रेशन उसको देने वाला हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं बहन को कुछ कम प्यार करता हूँ, बस गिफ्ट खरीदते टाइम दिमाग में कुछ फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता। खैर दोस्तों, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, क्या हुआ? दोस्तों वो पापा और बुआ के बीच झगड़ा हो गया है, पापा ने भी कैडबरी सेलिब्रेशन दे दिया है, जबकि बुआ ने तो बस गिफ्ट के तौर पर जायदाद में आधा हिस्सा मांगा था, इसमें पापा को गुस्सा होने वाली बात क्या थी। खैर दोस्तों चलता हूँ, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सिस्टर, जय हिंद। Thank you.